गाइज, अक्सर आपने सड़कों के बीच में पेड़ पौधे लगे हुए जरूर देखे होंगे और आपने सोचा भी होगा कि ये क्यों लगे होते हैं। और ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि ये पेड़ पौधे सड़क को सुंदर बनाने और ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इन पेड़ों को डिवाइडर के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि एक साइड से आने वाले वाहनों की रोशनी दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी भी साइड से ड्राइवर को वाहन चलाने में दिक्कत ना हो। कई बार इन पेड़ और झाड़ियों के ना होने की वजह से दूसरी साइड से आ रहे वाहनों की हेडलाइट की रोशनी ड्राइवर की आंखों पर बहुत तेज पड़ती है और ड्राइवर सामने वाले वाहन के रास्ते का सही अंदाजा नहीं लगा पाता और खतरनाक सड़क हादसे की संभावना बढ़ जाती है। इन पेड़ और झाड़ियों को लगाने का एक और फायदा होता है कि इनकी वजह से जंगली जानवर भी सड़क पर नहीं आ पाते, क्योंकि कई बार सड़क हादसे आवारा जानवरों की वजह से भी होते हैं।